नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम। स्वागत है आपका गुलदस्ता में। नवरात्रों के दिनों में एक और रेसिपी लेकर आ गई हूं जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, जल्दी भी बनती है, स्वादिष्ट भी होती है, क्योंकि कुछ मीठा तो हमें चाहिए होता है। वैसे तो मैं साबूदाने से बहुत सारी रेसिपीज बनाती हूं, लेकिन आज की रेसिपी एक मीठी रेसिपी, साबूदाने की खीर। तो आप साबूदाने की खीर का वीडियो देखिए और इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने ले लिया 1/2 कप साबूदाना। आपको तो पता ही है, जो लोग फास्टिंग करते हैं, नवरात्रे रखते हैं, उन्हें साबूदाना के बारे में पता होता है, लेकिन जो पहली बार रख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये सफ़ेद कलर के मोटे मोटे दाने बड़े सुंदर से होते हैं। तो बस ये साबूदाना है, मैंने 1/2 कप ले लिया है। इसे 2-3 बार वॉश कर लेती हूँ और 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देती हूँ। 2 घंटे पानी में सोख करने के बाद जो ये साबूदाना है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो बस आपको इतना ही करना है। अब क्या करना है, जब तक मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ, उस दौरान आपने इस साबूदाना से पानी निकाल कर इसमें जो ल्यूक वॉर्म मिल्क है ना, मैं इसमें ये डाल के रखने वाली हूँ। बस इससे क्या होगा, ये जो साबूदाना के अंदर ना दूध मिल्क, ये अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा, जिससे जब हम खीर बनाएंगे तो अंदर तक जो है पानी का टेस्ट नहीं आएगा, दूध का टेस्ट आएगा। इसीलिए थोड़ी देर के लिए आप गरम दूध डाल के रख दें, सो दैट ये दूध भी साबूदाना के अंदर तक पहुंच जाए। तो चलिए बाकी की तैयारी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें करना क्या है। एक तरफ मैं जो है एक पतीले में, एक बर्तन में दूध तकरीबन 1 लीटर ये बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, सो दैट ये बॉयल हो जाएगा तो आगे का काम और भी आसान हो जाएगा। जब तक दूध गर्म हो रहा है, मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब जो है घी ये डाल देती हूँ। घी गरम हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम यानी कि आलमंड्स कटे हुए, चॉप किए हुए, और साथ ही डाल रही हूँ पिस्ताचो, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ काजू। इन सबको मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि रोस्ट किए हुए जब हम ड्राई फ्रूट खीर में डालेंगे ना, अलग ही मज़ा आएगा। इसके साथ साथ हमारी कढ़ाई, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कुकर या कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं, हल्का सा उसको घी आसपास लगा देना चाहिए, तो वो भी एक काम हो जाएगा, और मैं आगे भी बताऊंगी कि आपको फ़ायदा क्या होता है इसका। तो ये पहले मैं फटाफट इसे रोस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए, ये बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं, क्रंची हो चुके हैं, इन्हें मैं जल्दी से एक प्लेट में बाहर निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद साबूदाना, ये जो भिगो के रखा था, फिर दूध डाल के रखा था, इसे मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। आपने देखा इसमें घी था अच्छे से, और कढ़ाई को भी घी लगा हुआ है, और ये साबूदाना को हम अच्छी तरह से यहाँ रोस्ट कर लेंगे। क्या होता है, जब भी कभी दूध उबालना हो ना, हमेशा हम बर्तन को कहते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दो, मतलब गीला कर लो, और यहाँ पे हमने घी लगा दिया कढ़ाई में। इससे क्या होगा, दूध जो है ना नीचे लगेगा नहीं, आसपास चिपकेगा नहीं, तो खीर हमारी और भी शानदार बनने वाली है। तो ये देखिए कितना शानदार साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब ये ट्रांसपेरेंट से दाने शाइन करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी औंस की बूंदे हो। तो बस ये समय आता है हम इसमें दूध जो अभी बॉईल किया था ना, वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हिला देते हैं। तो बस आपने देखा, कुछ मुश्किल नहीं है, कितना आसान है ये। अब इसको बॉयल होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट तक इसको उबालने के बाद इसमें गाढ़ापन भी आ गया, और साबूदाना के दाने ये भी देखिए अलग अलग ट्रांसपेरेंट से नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इसे आप भी हिलाते हुए अच्छी तरह से बॉयल होने दीजिए, ताकि जो साबूदाने के अंदर दूध है अच्छी तरह से रिझ जाए। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, ये मैंने लिया 1/4 कप, और अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालें, लेकिन जितनी हम लेते हैं उस हिसाब से 1/4 कप शुगर बिल्कुल सफिशेंट है। तो इसको इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब शुगर जब इसमें जाएगी गर्म दूध में, तो नेचुरली वो भी मेल्ट हो जाएगी, और थोड़ा सा दूध मिल्क जो है पतला हो जाएगा। इसलिए इसके बाद 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो ये देखिए खीर बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है, जितनी थिक हमें चाहिए उतनी बन चुकी है। आपको मैं बता दूं, जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी ना, उसके बाद भी ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, सारा ड्राई फ्रूट जो हमने अभी रोस्ट किया था ना, वो डाल देती हूँ।
सारा ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किया है सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून किशमिश ये भी डाल रही हूँ। मैं किशमिश ना पहले फ्राई नहीं करती हूँ, इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो बस अब मैं जल्दी से गैस को बंद कर देती हूँ और इसे आप खाने के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी से इसे बाउल में डाल लेते हैं।